हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2021 की बड़ी भर चुकी अपडेट के बारे में। 9 बड़ी भर चुकी अपडेट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिनके फॉर्म भरना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। सो फ्रेंड्स, एसएससी भर्ती बैंक रेलवे एमईएस एंड फूड डिपार्टमेंट से बड़े स्तर पर जो है मार्च महीने में वैकेंसीज आने वाली हैं। साथ ही मैं दोस्तों आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। ऑल इंडिया की जॉब जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 बड़ी भर्तियों के अपडेट के बारे में। साथ ही मैं जो है आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एंड आपको यहाँ पर जो पर मंथ पे स्केल दिया जाएगा, जो आपको सैलरी दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, उन सभी टॉपिक के बारे में शुरू में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट के लिए सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। एंड इसी के साथ में दोस्तों नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्टेट का नाम लिख देना है, ताकि आपके स्टेट की वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचा सकूं। साथ ही मैं आपको जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन नौकरी अड्डा ऐप का लिंक भी देखने को मिल जाएगा, आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन नौकरी अड्डा ऐप को भी जाकर के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, मार्च महीने की बड़ी भर्तियों की अपडेट के बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसएससी रिक्रूटमेंट के बारे में। सबसे फर्स्ट नंबर की हमारी जो वैकेंसी आती है, अब इसी के साथ में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कर्मचारी चयन आयोग से वैकेंसीज हैं। कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 60,210 पदों पर टोटल वैकेंसीज हैं। बीएसएफ की जो है 16,984 पदों पर वैकेंसीज हैं। सीआईएसएफ के 8,073 पद, सीआरपीएफ के 15,824 पद, एंड एसएसबी के 10,956 पद, आईटीबीपी के 3,342 पद, एआर के 4,576 पद, एनए के 8 पद रखे गए, एंड एसएसएफ के 447 पद रखे गए। पे स्केल जो आपको यहाँ पर दिया जाएगा 21,700 रुपये से 69,000 रुपये आपको पे स्केल दिया जाएगा। 10वीं पास कैंडिडेट इन भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 साल रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 100 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। ऑल कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन आप इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया की जॉब है दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। ssc.nic.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। 25 मार्च 2021 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, एंड 10 मई 2020 आपकी 2021 आपकी जो है लास्ट डेट रखी जाएगी, एंड 2 से 25 अगस्त 2021 को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी आती है एमईएस रिक्रूटमेंट से, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से वैकेंसी है। सुपरवाइजर एंड ड्राफ्ट्समैन के पद पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं। 502 पदों पर ये भर्तियां हैं। सुपरवाइजर के 450 पद एंड ड्राफ्ट्समैन के 52 पद रखे गए हैं। सुपरवाइजर के लिए आपको 9,300 रुपये से 34,800 रुपये पे स्केल दिया जाएगा, एंड ड्राफ्ट्समैन के लिए 5200 से 20,200 रुपये आपको पे स्केल दिया जाएगा। डिग्री और डिप्लोमा पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 साल एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। रिटर्न एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया की जॉब है, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। mes.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2021 में आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, एंड लास्ट डेट जो है जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, वहां से आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी आती है रेलवे से, रेलवे रिक्रूटमेंट से। अप्रेंटिस के पद पर ये वैकेंसीज हैं। 165 पद रखे गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप पे स्केल की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 10वीं पास एंड ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल एज लिमिट रखी गई है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट से 170 रुपये, SC ST PWD एंड EWS और वुमेन कैटेगरी से 70 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी इंटरव्यू आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भोपाल MP आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एंड wcr.indianrailways.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, या फिर आप जो है mponline.gov.in पर जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 मार्च 2021 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। 30
मार्च 2021 आपकी लास्ट डेट रखी गई है। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो मेरी आती है डीएफडीए रिक्रूटमेंट से वैकेंसी है। डायरेक्टरेट ऑफ फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव खाद्य और औषधि प्रशासन निदेशालय से वैकेंसीज रखी गई हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर असिस्टेंट केमिस्ट ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर लोअर डिवीजन क्लर्क एंड ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर ये वैकेंसीज हैं। वेरियस पद रखे गए हैं। पे स्केल भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा पे स्केल दिया जाएगा, जो कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में फूड सेफ्टी ऑफिसर असिस्टेंट केमिस्ट एंड फार्मासिस्ट के लिए आपको 29,200 रुपये दिया जाएगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपको 25,500 रुपये, LDC के लिए आपको एंड ड्राइवर के लिए आपको 19,900 रुपये और MTS पद के लिए 18,000 रुपये पे स्केल दिया जाएगा। 10वीं-12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम 18 साल एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। रिटर्न एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, गोवा जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। dfda.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। 1 मार्च 2021 से 17 मार्च 2021 तक आप इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से आप इनके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होंगे कि हमारी आती है TRBTN रिक्रूटमेंट से, टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड शिक्षक भर्ती बोर्ड से वैकेंसीज हैं। एंड इसी के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर ग्रेड फर्स्ट एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ग्रेड फर्स्ट के लिए वैकेंसीज हैं। 2,098 पद यहाँ पर टोटल रखे गए हैं। 36,900 रुपये से 116,600 रुपये आपको पर मंथ पे स्केल दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएट बैचलर डिग्री एंड एजुकेशन BEd DEd वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टरेट के लिए भी जो है BEd BPed एंड BSU एजुकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की आप पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। 40 साल एज लिमिट रखी गई है। जनरल OBC कैंडिडेट से 600 रुपये, SC ST एंड PWD कैंडिडेट से 300 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। रिटर्न एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, चेन्नई आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। trb.tn.nic.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। 1 मार्च से 23 मार्च तक आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 26 से 27 जून 2021 को आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप इनके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी आती है FCI रिक्रूटमेंट से वैकेंसी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से। एंड इसी के साथ में असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल अकाउंट्स एंड लो मेडिकल ऑफिसर से वैकेंसीज रखी गई हैं। 89 पदों पर ये वैकेंसीज हैं। AGM के लिए 60,000 से 1,80,000 रुपये एंड मेडिकल ऑफिसर के लिए 50,000 से 1,60,000 रुपये पे स्केल दिया जाएगा। ग्रेजुएट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड लॉ डिग्री CA BE BTech एंड MBBS कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 28, 30, 33 और 35 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट से 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी एंड ऑल अदर कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एंड इसी के साथ में बात कर लें एग्जाम पैटर्न की, तो आप जो है एग्जाम पैटर्न को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं अप्लाई ऑनलाइन की, तो आप जो है इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया की जॉब है, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। fci.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। 1 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट चुके हैं एंड 31 मार्च तक आप अप्लाई कर पाएंगे। मई जून 2021 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, वहां से आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गए हमारी आती है RBI रिक्रूटमेंट से, भारतीय रिजर्व बैंक से वैकेंसीज है। ऑफिस अटेंडेंट के पद पर वैकेंसीज रखी गई हैं। 841 पद रखे गए हैं। इसी के साथ में 10,940 रुपये से 23,700 रुपये आपको पे स्केल दिया जाएगा। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। जनरल EWS OBC कैंडिडेट से 450 रुपये, SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से 50 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। एंड ऑनलाइन जो है आप इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी के साथ में ऑनलाइन आप इन पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ऑल इंडिया की जॉब है दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। rbi.org.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। 15 मार्च 2021 से जो है आपकी लास्ट डेट रखी गई है एंड 9 से 10 अप्रैल 2021 को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन का लिंक और लॉगिन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी आती है पुलिस विभाग से, पुलिस डिपार्टमेंट से, सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल एंड प्लेटिनम कमांडर मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं एंड फायर ऑफिसर के पद के लिए भी वैकेंसीज हैं। 9,534 पद रखे गए हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए 9,027 पद एंड प्लेटिनम कमांडर के लिए 484 पद एंड फायर ऑफिसर के 23 पद यहाँ पर रखे गए। एंड पे स्केल जो आपको दिया जाएगा 9,300 रुपये से 34,800 रुपये दिया जाएगा। फिर ग्रेड पे 4,200 रुपये। ग्रेजुएट डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है। 400 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी एंड इसी के साथ में फिजिकल रिटर्न एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड फिजिकल की पूरी इन्फॉर्मेशन आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, ऑनलाइन आप इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यूपी आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। upp.bpv.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी या फिर आप prpb.gov.in पर जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। 30 अप्रैल 2021 आपकी लास्ट डेट रखी गई है एंड इसी के साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, वहां से आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी आती है पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग से फायरमैन के पद पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं। 2,380 पदों पर ये वैकेंसीज हैं। मेल के लिए 1,487 पद एंड फीमेल के लिए 893 पद रखे गए हैं। 21,700 रुपये से 69,100 रुपये पे स्केल दिया जाएगा। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड इसी के साथ में मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल, ओबीसी कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 27 साल एंड ओबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 28 साल एंड एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 30 साल एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आपसे 400 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड बीसी कैंडिडेट से। इसी के साथ में एससी एसटी कैंडिडेट से 112 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करवा सकते हैं। रिटर्न एग्जाम फिजिकल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन आप इन भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बिहार जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। csbc.bih.nic.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। 25 मार्च 2021 आपकी लास्ट डेट रखी गई है। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी मार्च 2021 की 9 बड़ी भर्तियां। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब संबंधी पल पल के अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही आने वाले घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि गवर्नमेंट जॉब संबंधी पल पल के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। एंड इसी के साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने स्टेट का नाम बिल्कुल मत भूलना। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद दोस्तों।